तो अब तक आपने वोल्टेज क्या होता है ये सुना ही होगा। वोल्टेज के बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ये प्रैक्टिकली आपको समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा करंट। व्हाट इज करंट? करंट इज बेसिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसा है इसके बारे में हम बेसिक से डिटेल समझते हैं। करंट, हम करंट को कैसे समझेंगे? तो करंट को समझने के लिए हमें कंडक्टर को भी समझना उतना ही जरूरी है। तो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है इंसुलेटिंग और एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल कंडक्टर एंड इंसुलेटर इनके बारे में समझते हैं। इंसुलेटर एक ऐसा मटीरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है या इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कोई इफेक्ट शो नहीं करती है। तो कंडक्टर, कंडक्टर एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए यूज में आता है। तो कंडक्टर किसको बोलेंगे? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर एक अलग तरीके से हमें प्रोटेक्ट भी करता है इलेक्ट्रिसिटी से, और कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए भी यूज में आता है। जो आप एक वायर देखते हो तो वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है दैट इज इंसुलेटर, और वायर के अंदर जो एक तार रहेगी कॉपर की और एल्युमिनियम की तो उसे हम बोलते हैं कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है? तो हमें यह समझना है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने बोला कंडक्टर किसको बोलेंगे? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी हम उस कंडक्टर में फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज माने वोल्टेज अप्लाई करते हैं, माने उस वोल्टेज का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्लो ऑफ करंट। तो वो कैसे मूव होता है? उसके मूव होने के दो तरीके हैं, एक होता है वाइब्रेशन, एक होता है माइग्रेशन। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो वो माइग्रेट होते हैं, और जो थर्मल एनर्जी है वो बाय वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है। तो अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से प्रेशर अप्लाई करें तो वो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होकर बी पॉइंट तक ट्रेवल करेगा। तो जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना करंट, फ्लो ऑफ करंट रहेगा। तो इसे समझने के लिए हमने एक इमेजिनरी डायग्राम शो की है, अगेन वाटर वाली। तो देखिए पाइप से, पाइप में से पानी बह रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बीकर में हमने पानी की लेवल दी है, और अगर उसको हम छेद कर देते हैं वहां पे एक पाइप कनेक्ट कर देते हैं तो पाइप पे क्या निकलेगा? फ्लो निकलेगा। तो जो वो पाइप में से निकलने वाला फ्लो है उस फ्लो को अमाउंट ऑफ करंट बोलते हैं। तो वो फ्लो कम होगा या ज्यादा होगा इट्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ वाटर, यानी फोर्स ऑफ वाटर, फोर्स ऑफ वोल्टेज। तो हम डायग्राम में आपको तीन इमेजेस शो कर रहे हैं, जिसमें देखिए पहले डायग्राम में आपको पाइप में से काफी फोर्स से पानी निकलता हुआ दिख रहा है, दूसरे डायग्राम में एक थोड़ा कम लेवल का पानी निकलता है, और तीसरे डायग्राम में काफी कम निकल रहा है। तो कंडक्टर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना, और उस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे फ्लो करवाना है, कितने लेवल से फ्लो करवाना है, ये काम है वोल्टेज का। जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ही वो ज्यादा ट्रेवल कर पाएगा। इसमें रेजिस्टेंस का भी पार्ट है, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, तो रेजिस्टेंस का भी उसमें पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है। बट जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना उसका फोर्स ज्यादा रहेगा। तो जितना फोर्स ज्यादा रहेगा उतना पाइप भी आपको बड़ा लेना पड़ेगा, जितना फोर्स आपको कम लेना है उतना पाइप छोटा भी ले सकते हैं। तो समझ में आ गया, फ्लो ऑफ करंट जो भी होगा इट्स डिपेंड ऑन द लेवल, एंड सेकेंड पार्ट इट्स डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। तो देखिए तीन क्वांटिटी है, वोल्टेज है, करंट है एंड रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, आप 5 वोल्ट ले सकते हैं, 10 वोल्ट ले सकते हैं, 20 वोल्ट ले सकते हैं, तो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है।
रेजिस्टेंस लोड ये भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसे हम बोलते हैं कि हमने 100 वाट का बल्ब लिया, 60 वाट का बल्ब लिया, 5 वाट का बल्ब लिया, तो उसका वाटेज तो बदलने वाला है नहीं, वो तो फिक्स रहेगा। जैसे मान के चलो आपने 5 वोल्ट लिया और 5 वाट लिया, तो इन दोनों फिक्स क्वांटिटी में जो करंट ट्रेवल करेगा ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है इन दोनों पर, वोल्टेज पर और रेजिस्टेंस पर। ठीक है, तो करंट ये तीनों चीजें एक साथ कनेक्टेड है, तो हम इसको इंडिविजुअली जब एक्सप्लेन करेंगे तो समझना कि इसके साथ करंट भी है, उसके साथ वोल्टेज भी है, उसके साथ रेजिस्टेंस। तो एक बार हम ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रेवल करती है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्टर में से ट्रेवल कर रहे हैं, आपका फोर्स कम है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे वो बारी बारी में फ्लो होंगे, उनको फ्लो करने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, जो कंडक्टर का एरिया रहेगा वो उसके लिए काफी होगा। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो होता है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट, इसका मतलब है कि जो कंडक्टर है वो कंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करना, दैट इज व्हाट लिमिटेड फ्लो ऑफ करंट। ओवर करंट इसका मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे ज्यादा वर्कआउट करवाना, जिसकी वजह से होगा क्या कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट जब भी हो रहे तो उनके बीच में एक पोल्यूशन डेवलप होगा, तो जैसे ही पोल्यूशन डेवलप होता है वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वहां पे थर्मल एनर्जी डेवलप होती है, तो उस कंडक्टर का हीट स्टार्ट होती है, मतलब वो कंडक्टर गर्म होना स्टार्ट होता है। आपने काफी बार देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट जब भी होते हैं तो वहां पे टेम्परेचर जनरेट होता है, फायर लग जाती है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फ्लो ऑफ करंट। अगर कोई भी कंडक्टर में से उसके लिमिट के ज्यादा फ्लो ऑफ करंट आपने करवाया तो उसमें टेम्परेचर डेवलप होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, वहां पे एक फायर भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसीलिए जो भी आप कंडक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडक्टर को सिलेक्ट करते वक्त उसमें से मैक्सिमम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है या फ्लो ऑफ करंट कितना होने वाला है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए करंट के टू टाइप्स होते हैं, वन इज अल्टरनेटिंग करंट, सेकेंड इज डायरेक्ट करंट। तो इन दोनों में खासा फर्क क्या है, देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो हमारे डेली यूज में आता है, हमारे घर में, ऑफिस में, हर जगह जो हमें अवेलेबल होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट इसका मतलब उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों पल्सेस होती है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। उसकी वेव आपने हर बार देखी होगी, मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि एक पॉजिटिव वेव और निगेटिव वेव कैसी होती है। और दूसरा जो होता है डायरेक्ट करंट, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और वो पैरेलल टू दी जीरो लाइन होता है, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये स्ट्रेट टू दी ग्राउंड होता है, तो इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। दो टाइप के करंट मैंने पता है, एक अल्टरनेटिंग करंट, एक डायरेक्ट करंट। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं।